चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, वायनाड में कांग्रेस का बड़ा दाव, राहुल गांधी की छोड़ी सीट से बहन प्रियंका गांधी बना दी गई उम्मीदवार, इलेक्शन कमीशन के पीसी के बाद बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस खबर के बारे में। जी हां, बात करें तो दक्षिण भारत के केरल में वायनाड लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने बड़ा सियासी दाव खेला है। वहां होने वाले उपचुनाव में दल की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी उम्मीदवार होगी। यह ऐलान मंगलवार यानी कि 15 अक्टूबर 2024 को देर शाम को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC की ओर से कर दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को इस सीट से उतारना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इससे पहले इस सीट से उनके भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने वायनाड और रायबरेली दो संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत का परचम रह रहा था। हालांकि नियम के अनुसार उन्हें बाद में एक सीट छोड़नी पड़ी थी। ऐसे में वायनाड सीट छोड़ने का फैसला लिया और रायबरेली सीट से सांसद बन गए। यूपी की रायबरेली सीट राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की परंपरागत सीट थी। वहां इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने दावा आजमाया और उनका दाव सफल भी हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था, पर अमेठी में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था, जबकि वायनाड की जनता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए संसद में भेजा था। साल 2024 के चुनाव में राहुल वायनाड और रायबरेली की सीट पर चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों पर जीत का परचम लहराने में सफल हुए। बाद में उन्होंने काफी सोच विचार के बाद वायनाड से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन गई थी। AICC की ओर से प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा तब की गई जब इससे पहले दिन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस PC हुई थी। PC में मुख्य चुनाव आयुक्त CAC राजीव कुमार ने बताया कि वायनाड लोकसभा सीट के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो एक अपडेट था, मुझे आपको बताना चाहिए। बाकी इस खबर पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।